लगी मैं चना दाल फ्राई। वो लिए मैं दाल चंगी तरह धो के इनू मैं चार पाँच बारी वॉश किया आ तो कुकर से पाता आ। हूँ इनू मैं लवा लाँगी तीन चार सीटियाँ और इस तो बाद मैं छिल दी हाँ प्याज लहसुन तो हरी मिर्चा वो मैं पेस्ट बना के तो फिर मैं रेडी करती हूँ। इनू गैस से कुकर चाढ़ते तो हूँ ये करूँगी मैं नमक ऐड। एक चम्मच मैं नमक पान लगी हाँ ऐड करता है ते थोड़ा जहा इस मैं ऐड करूंगी तेल ताकि जो सीटी लवानी है तो साड़ा प्रेशर इतों रिलीज ना हो। मतलब कई बार इस जगह तो पानी दाल का पानी निकलन लग जाता है तो जो आप तेल पा दिए तो फिर मतलब नहीं निकलता है। वास्ते मैं छिलन लगी मैं तीन प्याज ले ने ते तीन ही मैं लसन दियाँ पंजाबी आप गंढियां बोल दें तीन लसन दियाँ गंढियां लईयां ने। तुसी कहना इन्ना लसन पर अदरक भी है निगा यही लसन ज़्यादा ही खा लें गर्मियों के भी कोई नुकसान नहीं करता ना किसी किसी सब्जी के पाईदा आ। और इनू मैं छिल के कट के रेडी करके तो फिर तुम्हें मिलती हाँ तड़का लाने लगी। हाँ जी मैं लसन तो प्याज कट लिया आ तो इधर मैं तड़के की तैयारी शुरू करती है तो पहला पावगी मैं तेल प्याज मेरे चंगी तरह ब्राउन हो चुके हैं। ये हम हरिया मिर्चा तो मैं टमाटर ऐड कर दी हूँ और ये टमाटर का पेस्ट तुसी देख सकते हो मेरे कुछ नहीं पाया सिर्फ टमाटर ही ऐड किए हैं। इस तड़के का कलर चेंज हो गया क्योंकि टमाटर से देसी तो देसी टमाटर बहुत वधिया होंगे कलर बहुत सोहना आता उन्हों का रेड। इनू बस पहले ही मैं टमाटर चंगी तरह भुने हुए हैं मैं ज़्यादा नहीं भुनागी। हूँ इस मैं अपने नमक मिर्च मसाले ऐड करती हूँ इतने मैं ऐड कर दी इस हल्दी और एमडीएच का गर्म मसाला इनू असी चंगी तरह मिक्स कर लाँगे। इस मसाले ना मैं थोड़ा जहा पानी ऐड करूँगी ये मैं ता पाया क्योंकि इस टमाटर का पेस्ट लगा सी। देख सकते हो ये अजे मैं देगी मिर्च नहीं ऐड की है देगी मिर्च और साबत लाल मिर्चा मैं उपरू ऐड करांगी क्योंकि ये आ चना दाल फ्राई की रेसिपी मैं तुहानू शेयर करती पई हाँ। पर फिर भी देखो यदा कलर कितना सोहना आ चुके तड़के का तो आ देखो ये उपर उपर बिल्कुल इन्हें ना अपना तेल एकदम रिलीज करता है मसाले ने एन वधिया तरह भुनिया गया तेल छड़ता है तो हुण आपां इहनू दाल दे विच ऐड करांगे। आ देखो साड़ी दाल बहुत सोहनी घुल के तैयार है तो आ तड़का करांगे आपां इहदे च ऐड आ देखो साड़ी दाल किड्डी सोहनी बन के तैयार है पर इहनू असीं इक फाइनल टच दांगे देसी तड़के नाल। एक पैन रखता है ये पावे अस देसी घ्यो तेल साडा हो गया गर्म और पा देंगे असं साबत लाल मिर्च तेल नहीं सॉरी घ्यो और हाँ देगी मिर्च क्या देख सकते अस उपर लगा देख सकते हो साड़ी पंजाबी दाल तड़का बन के रेडी है तो इन हूँ मैं सर्व करती हूँ। आप देख सकते हो साड़ी दाल तड़का बन के बिल्कुल रेडी है बहुत टेस्टी है तो तुम भी जरूर ट्राई करो। तो जे तुम वीडियो वधिया लगी है
ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ।